2023 में क्या कट ऑफ रहने वाला है सारे एनआईटी का। इसके बाद दुर्गापुर का बात करें 60,005, फिर सिलचर का बात करें 54,000। दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जोसा 2023 में क्या कट ऑफ रहने वाला है सारे एनआईटी का, जो कि रैंक वर्सेस एनआईटी आप बोल सकते हैं लोअर ब्रांच के लिए, मतलब हाईएस्ट कितने रैंक तक एक पार्टनर एनआईटी को आप ले सकते हैं एक जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, मेल फीमेल सारा कुछ, होम स्टेट अदर स्टेट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का, जैसा कि लास्ट 3-4 सालों से हम इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि 100% करेक्ट था लास्ट ईयर का, आप चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल वीडियो इंग्लिश चैनल का नाम है। तो इसीलिए हम इस साल का भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जोसा के लिए, सीएसएबी में इससे भी ज्यादा रैंक आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको अपलोड करें क्योंकि वो डिपेंड करता है जोसा में कितने सीट बचते हैं। चलिए बात करते हैं एनआईटी जलंधर का। यहाँ पे देखिए हम अदर स्टेट मेल कैटेगरी की बात करेंगे, आप बाकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन का मतलब होम स्टेट, एचओटीएस का मतलब होम स्टेट है, जो कि जनरल 132,000, 132,000 है, और ये मेल का हो गया, फीमेल का 127,000, इस तरह से फीमेल का जो है स्लैश के बाद है। तो जनरल 62,000, ईडब्ल्यूएस 9,000, ओबीसी 21, एससी 11 एंड एसटी 4,000, ये हो गया अदर स्टेट मेल स्टेट का, फीमेल का साइड वाइज आप देख सकते हैं स्लैश के बाद, और होम स्टेट का भी साइड वाइज लिखा गया। तो आईएसटी शिवपुर का बात करें, ये नया आईआईटी के रूप में अप्रूव हुआ है 2 साल पहले, कॉलेज बहुत ओल्ड है बट बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए वो 31 एनआईटी के बारे में बताएंगे। 32 एनआईटी टोटल है अभी इंडिया में। जनरल 62,000, ईडब्ल्यूएस 10.4, ओबीसी 22, एससी 10.5, एसटी 4,000। इसके बाद बात करें एनआईटी आंध्रा का, तो 65, 10.5, 22, 10.5, 2.7,000, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। अगर तल्ला का बात करें जनरल के लिए 71,000, 12,000, 24, 10.5, 4,000। इसके बाद श्रीनगर का बात करें 70, 10.5, 24, 10.5 अगेन 4,000, ये हो गया आपका सारा कैटेगरी का। फिर एनआईटी सिक्किम 64,000, 23,000, 10, 33, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। फिर मणिपुर के लिए 63,000, जो कि 63,600 है, 10,600। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 10,300, एससी के लिए 10,100, एससी के लिए 3,700, जो कि कैटेगरी रहेंगे। हिमाचल के अगर बात करें जनरल के लिए 65,400, ईडब्ल्यूएस 11.7, ओबीसी 23.3, एससी 10.6, एसटी 3.1,000। यहाँ पे हम बात बताना चाहेंगे आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस के बारे में, जैसा कि जोसा काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग होगा, डिसीजन मेकिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसी तरह से बहुत सारे कॉलेज हैं क्रॉस इंडिया जो कि आप जेई के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर अदर एग्जाम लाइक बिटसेट, मणिपाल, एट्रिपली जो कि अमृता का है, फिर वीआईटी, इसी तरह से कॉमेट के, सारा के लिए हम गाइड करेंगे आपको। उसके लिए क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो आप नेक्स्ट सेक्शन का वीडियो में देखिए। यहाँ पे हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने काउंसलिंग गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के बारे में। जैसा कि हम 5 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय से लेके एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं हर एक काउंसलिंग में, और बाद में किस में ज्वाइन करना है उसके लिए भी एडवाइस करेंगे आपको। सारे कॉलेज का फैकल्टी कैसे हैं, कैसे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी चॉइस फिलिंग होता है, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको देंगे हर एक काउंसलिंग के लिए जो भी आप करते हैं, और दिए गए नंबर पे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके। ये ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट पे करें और 4-5 दिन के बाद आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कॉन्टेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सही पर्सन है गाइड करने के लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था मेरा गाइडेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो अगर आपको चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी, बट एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, ये आप ध्यान में रखें। चलिए बात करते हैं आगे एनआईटी मिजोरम का। 70, 11.6, 23.8, 11.1 और 3.9, ये हो गया आपका अदर स्टेट मेल स्टूडेंट के लिए। फिर एनआईटी नागालैंड का बात करें, 69.3, 11.5, 23.7, 11.1। इसके बाद एनआईटी मेघालय 61, 10.2, 21.3, 9.8, 3.1। फ्यूचर के लिए बात करें 56,000, 21,200, 7,900, 2,007। इसके बाद दुर्गापुर का बात करें 60,500, ये टॉप 10 एनआईटी है इंडिया का, वन ऑफ द टॉप 10 एनआईटी। 10.4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 23,000 ओबीसी, 11.2 एसटी के लिए, एसटी के लिए 4.4,000। कुरुक्षेत्र का बात करें 48, 8.6, 20, 8.6, 4.1। तो बीएनआईटी नागपुर का आप देख सकते हैं साइड वाइज सारा इन्फॉर्मेशन, होम स्टेट का दिया गया है, अदर स्टेट का भी मेल एंड फीमेल सारा है। मेल का हम बात करें 52,800, 9,000, 20,700, 8,800, 3.2। उसके बाद अदर स्टेट 45,000, 7.8,000, 18,500, 8,300, 3.6,000, जो कि 3600 हो गया। इसके बाद
अलीगढ़ का बात करें 47,600, 7.7 हजार, 17,400, 8,400, 2,700। अदर स्टेट मेल एस्पिरेंट का ये हो गया। फिर राउरकेला के बाद में बारे में बात करें 63,000, जनरल 11,200, ईडब्ल्यूएस 24,000, 11.6, 4.3। ये सब जो भी कट ऑफ हम बता रहे हैं आपको, ये जोसा काउंसलिंग का लास्ट राउंड तक का है। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते तभी इस रैंक तक आपको मिल सकता है, अदरवाइज आप पहले दूसरे राउंड के बाद ही खत्म हो जाएंगे। और ये जो कट ऑफ है ये जोसा के लिए है, तो इससे ज्यादा रैंक पे भी आपको मिल जाएगा कॉलेज, बट इसमें वो सीएसएफ काउंसलिंग में। चलिए बात करते हैं आगे अलाहाबाद का 38,700, 8.3, 3.2, फिर 42.8, 8.4, 20.5, 9 और 4.2 हजार, जो की एनआईटी वारंगल के लिए। सूरतकल के लिए 31,000, 6.2 हजार, 13,000, 5.4 हजार, 1,900। फिर एनआईटी त्रिची के लिए 28,800, 6,100, 12,300, 5,200, 1,900। इसके बाद रायपुर का बात करें 55,000, 8.3 हजार, 16, 8.2, 3.8। भोपाल के लिए बात करें 54,000, 9,000, 21,000, 8.9, 3.8। उसके बाद फिर सिलचर का बात करें 54,000, 8.9 हजार, 20,200, 8,600, 2,700। फिर सूरत का बात करें आप साइड वाइज चेक कर सकते हैं, डेटा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर गोवा के लिए 51,700, 8,600, 20,000, 8.1 हजार, 2.7 हजार। इसके बाद जमशेदपुर का बात करें 50.60 हजार, जनरल के लिए बाकी आप डेटा चेक कर सकते हैं। फिर उत्तराखंड के लिए 56,000, जनरल के लिए बाकी आप चेक कर सकते हैं साइड वाइज। फिर पटना के लिए 55,500 और हमीरपुर के लिए 56,600 और दिल्ली के लिए 42,500। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज अच्छा और खराब हो गया ये कट ऑफ से, क्योंकि हर एक कॉलेज में अलग अलग तरह के ब्रांचेज अवेलेबल है, जो कि बहुत कम डिमांडेबल है, कोई डिमांडेबल है, तो कट ऑफ जनरली डिमांड पे ही डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा कोई एक ब्रांच को भरे ही ना, उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रैंक तक चला जाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हम सीएससी ब्रांच के लिए भी बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। फिर आपका ईसी के लिए, आईटी के लिए, सिविल, मैकेनिकल, सारा ब्रांच का आपको इसी चैनल पे मिलते रहेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी से आपका एडमिशन तक। थैंक यू।